हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको चैप्टर नंबर सेकेंड वास्तविक संख्याओं के बारे में बताऊंगा। उसके पहले हम वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसको शुरू करें। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आता हूँ पहली संख्या के बारे में, जो कि है सम संख्या। सम संख्या, संख्या की जो परिभाषा होती है उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर हमें कोई संख्या दी हुई है तो उसका हम इकाई अंक देखें, जो पीछे वाला अंक है उसे हम देख लेंगे। अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह सम संख्या हो जाएगी। जैसे 204 आपको दिया हुआ है तो पीछे इकाई का अंक जो है हमने देखा 4 है, इसका मतलब ये सम संख्या है। 306 दिया हुआ है, इसी तरीके से 512 है, इकाई अंक 2 है, सम संख्या है। 7, 9, 8, 7, 9, 8 इसके पीछे इकाई अंक जो 8 है इसका मतलब ये सम संख्या है। 310 इसके पीछे 0 आ रहा है इसका मतलब ये एक सम संख्या है। तो इस प्रकार हम इकाई अंक देखकर ये बता सकते हैं कि कैसी संख्या हो जाएगी, वो सम संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट पर आते हैं सेकेंड विषम संख्या। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता है, विषम संख्या कहलाती। डेफिनेशन जो है सम संख्या की याद करी, बस यहां क्या लगा दिया, नहीं लगा दिया। और नहीं लगाते ही इसकी डेफिनेशन होगी किसकी, परिभाषा होगी विषम संख्या की। विषम संख्या के उदाहरण, विषम संख्या का उदाहरण जो है वो इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे 201। इसकी इकाई अंक की बात करें तो इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। फिर मैंने दिया 4,13, इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। इसी तरीके से मैं 317 ले सकता हूँ, इकाई अंक नहीं है। इसके बाद अगर आप चाहें तो 409 पर देखें, इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो ये सभी संख्याएं जो मैंने आपको बताई ये कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्या है। इसी तरीके से आप 115 की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। फिर आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या है, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से, 1, 2, 3, 4 शोर, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। चौथा पॉइंट नंबर 4 जो है उसकी बात करते हैं, वो है पूर्ण संख्या। यहां जब मैंने प्राकृत संख्या की बात करी तो प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है,
ये भी अनंत तक ही जाती है। मतलब सभी संख्या ऐसी सभी संख्या जो शॉर्ट कहां से हो, जीरो से हो, अनंत जाए, अनंत तक जाए, ये सभी संख्या के तहत में पूर्ण संख्या है। मतलब सभी संख्याएं आ गई इसके अंदर, बस ऋणात्मक संख्या माइनस की संख्या छोड़ दी जाए, इसके अलावा जितनी भी संख्या है वो सभी संख्या इसमें आपके पास आ गई पूर्ण संख्या। इसके बाद आते हैं पांचवें नंबर पर पूर्णांक। पूर्णांक जो है वो क्या होता है, अगर पूर्ण संख्या हम लें और उसमें माइनस की संख्याओं को भी मिला दें तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक। तो देखते हैं 0, 1, 2 श्योर कहाँ तक है, अनंत तक है, कहाँ तक है, अनंत। तो इसमें कैसी संख्या जाती, माइनस की संख्या जाती, -1, -2, -3 ये भी कहाँ तक जाएंगे हम, अनंत तक। तो पूर्णांक जो है अगर पूर्ण संख्या है और उसमें माइनस की संख्या मिला दें तो पूर्णांक बनते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो पूर्णांक के अंदर माइनस की संख्या में आ गई, अगर जीरो से हम राइट हैंड साइड में चल रहे हैं तो सभी संख्याएं बढ़ रही हैं, कहने का मतलब हम कहीं से भी चले और राइट हैंड साइड में चले तो संख्याएं बढ़ी होंगी। -3 है ये छोटा है -2 से, और -2 जो है वो छोटा है -1 से, और -1 जो है वो छोटा है 0 से, और 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ -2 जो है वो -3 से बड़ा होगा, -1 -2 से बड़ा होगा, 0 -1 से बड़ा होगा, और ये तो आप जानते ही कौन सा बड़ा है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, वो है परिवेश। परिवेश संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। इसके अंदर कुछ पॉइंट और लेते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है।